हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट द 2D एंड 3D शेप्स। 2D मीन्स टू डायमेंशनल शेप्स एंड 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल शेप्स। सो लेट्स वी डिस्कस विद दीज पिक्चर्स। सो हियर इज 2D शेप्स। 2D शेप मीन्स देयर आर ओनली टू साइड्स ज्वाइन टू ईच अदर, राइट? यस, इन दिस फिगर वी हैव फोर साइड्स बट एवरी साइड्स ज्वाइन विद द अदर साइड। सो यहाँ पर हमें टू डायमेंशनल मिलता है, यहाँ पर भी हमको टू डायमेंशनल मिलता है। ये देखिए, ऐसी ही साइड्स यहाँ पर भी हैं। तो व्हेन टू साइड्स ज्वाइन टू ईच अदर देन वी कैन प्रोड्यूस ए टू डायमेंशनल शेप। सर्कल में भी देखिए, सेंटर के साथ जब ये रेडियस है और रेडियस ऐसे मूव करना स्टार्ट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, देन वी मेक ए सर्कल, दैट इज़ द 2D शेप्स। 2D शेप्स के कुछ एग्जांपल यहाँ भी मैंने बनाए हैं। जस्ट यू सी, दीज आर द 2D शेप्स ओनली। ट्राइंगल ऑल्सो ए 2D शेप्स, बट 3D शेप्स में क्या होता है, एक अदर साइड्स की एंट्री होती है। सपोज ये क्यूब है और इस क्यूब में अगर कह दिया जाए ऑल साइड्स या ऑल एजेज आर इक्वल, तो इसमें ये सपोज लेंथ भी उतनी ही है जितनी ब्रेथ है, बट ये एक नई न्यू एंट्री हो गई, दैट इज द एज, राइट? सेम क्यूबॉइड में देखिए, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, बट नेक्स्ट एंट्री हुई है किसकी, इस हाइट की। सो सिलेंडर में भी क्या होता है, सिलेंडर को भी 3D शेप्स में लिया जाता है। 3D शेप्स का मीनिंग ये हुआ कि ये सर्कमफियरेंस का एरिया हो गया, राइट? करेक्ट, ये सर्कमफियरेंस का एरिया और इस हाइट की एंट्री यहाँ हो गई। जब तक ये थर्ड साइड की एंट्री नहीं होती तब तक हम टू डी में रहते हैं, और जैसे ही थर्ड साइड की एंट्री हो जाती है हम 3D शेप्स में आ जाते हैं। तो एग्जांपल्स ये देखिए, क्यूब है, क्यूबॉयड है, राइट, प्रिज्म है, स्फीयर है, सिलेंडर है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। 2D शेप्स में जो नंबर ऑफ साइड्स एंड नेम ऑफ फिगर्स में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ट्राइंगल्स हाउ मेनी साइड्स हैज, थ्री साइड्स, क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ चुके हैं फोर साइड्स होता है, पेंटागन जिसकी फाइव साइड्स होती हैं, पेंटा मीन्स फाइव ही होता है ग्रीक में, वेरी गुड, हेक्सा मीन्स सिक्स होता है, तो इसकी सिक्स साइड्स हैं देखिए। और नेक्स्ट है ऑक्टागन। अब सेवन साइड्स वाले का नेम आपको क्लास एट्थ में पता चलेगा, नाइन वाले का क्लास एट्थ में चलेगा, और आप टेन साइड्स डेकागन तक जाएंगे। तो आपको मेन ये है कि आप इन फिगर्स के थ्रू 2D शेप्स में, क्योंकि एक साइड दूसरे साइड से, ये देखिए एडजेसेंट जुड़ी हुई हैं, अगर ये फर्स्ट हो जाएगी तो ये सेकंड ले ली जाएगी, इसलिए ये सभी के सभी फिगर्स आपके 2D शेप्स में आ जाते हैं, ओके? और D का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दैट मीन्स डायमेंशंस, राइट? नेक्स्ट है आपका 3D शेप्स। द बॉल इज स्फीयर, यस इट इज स्फीयर, बट इट्स बिलोंग्स टू 3D शेप्स। आइसक्रीम, दिस इज द कोन, राइट, दिस इज द कोन। सो ये कोन भी आपका 3D शेप्स में आता है। सिलेंडर भी आपका 3D शेप्स में आ जाएगा, करेक्ट? एंड ये क्यूबॉयड है आपका, ये देखिए क्यूबॉयड की ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो देखिए थ्री 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 कॉम्पोनेंट्स हो गए ना इसके। क्यूब में भी आप देख सकते हो, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सारे इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर थ्री मेजरमेंट के थ्रू आपको 3D इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसे ही आप इस पिरामिड को देखिए, ये पिरामिड की ये टू साइड्स ज्वाइन कर रही हैं, बट ये एच इसकी आ रही है, यहाँ तक एच आती है ये, तो ये आपका पिरामिड भी 3D शेप्स में आ जाएगा। क्यूब भी 3D में होगा, क्यूबॉयड भी 3D में होगा, स्फीयर 3 डायमेंशन में होगा, कोन भी 3 डायमेंशन में होगा, और सिलेंडर भी होगा। 10th क्लास में आप पढ़ोगे एक नया आपको 3D शेप मिलेगा, व्हेन यू कट ए कोन प्लेन पैरेलल टू द बेस देन स्मॉल कोन इज रिमूव्ड, इसको रिमूव कर देंगे वो, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम, फ्रस्टम याद रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। गॉड ब्लेस यू।